फाइनली गाइस आज मैं पहुंच चुका हूं जी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र महाभारत की रणभूमि जिसका नाम है कुरुक्षेत्र शहर। चंडीगढ़ से 90 किलोमीटर, दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर। तो यहां मैं पहुंच चुका हूं, अभी गाड़ी मैंने पार्क कर दी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहां का ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर यहाँ की एक टूरिस्ट स्पॉट है, तो पहले बाहर से दिखा देता हूँ। पार्किंग के एरिया, गाड़ी पार्क कर दी है, ठीक है जी। और ये सामने है जी ब्रह्म सरोवर। तो आगे जाने से पहले सोचा कि जलजीरा पी लिया जाए, काफ़ी लंबा सफ़र था सिकंजी, और उसके बाद अंदर चलते हैं सीधा ब्रह्म सरोवर के। काफ़ी स्टॉल्स हैं यहाँ पे खाने पीने की, नींबू पानी, छली और बर्गर वगैरह की, फलूदा अंदर है वैसे, बेसिकली वहाँ चलेंगे, पर पहले कुछ पी लेते हैं यहाँ से। तो दिस इज़ द एंट्री गाइस, यहाँ से एंट्री है दोनों साइड। मैं तो पहली बार ही आया हूँ, खैर नो पार्किंग लिखा और 500 रुपये जुर्माना, लेकिन सारी व्हीकल्स यहीं खड़े हैं, तो ये भी सही है। तो वी एंटर्ड द ब्रह्म सरोवर फाइनली। वाह, ये तो बहुत बड़ा है यार। हाँ, ये तो बहुत बड़ा एरिया है, मेरे को तो पता ही नहीं था कि चंडीगढ़ के करीब इतनी खूबसूरत जगह है। इसमें तो पानी पानी है, क्या बात है। तो काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया में, जैसे कि आप देख सकते हो पीछे फैला ही फैला हुआ है, लोग यहाँ वॉक करने भी आते हैं। ब्रह्म सरोवर के नाम से इसको जाना जाता है। अभी हम उस जगह पे जा रहे हैं सेंटर, जो मेन पॉइंट है, ब्रिज क्रॉस करके द्रौपदी कुंड है वहाँ पे, वहाँ जाएंगे। बाकी तो यहाँ पे शॉप्स बनी हुई हैं, दिसंबर में यहाँ पे मेला लगता है तो सारी शॉप्स फुल हो जाती हैं। ये तो शॉप्स काफ़ी नंबर में है, जैसे 475 तो यही है, तो बिल्कुल डेड एंड तक है, पूरा सारी भर जाती। दिसंबर में कहते पैर रखने की भी जगह नहीं होती इस जगह पर। और अभी तो लाइट्स भी ऑन हो गई हैं, लाइट्स में भी थोड़ा बहुत दिखाएंगे आपको कैसा लगता है यहाँ पे। बाकी कुरुक्षेत्र वाले लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छी जगह है वॉक करने के लिए, पानी के किनारे किनारे, जैसे चंडीगढ़ में सुखना लेक है, ये भी एक अलग खूबसूरत है। लेकिन इसकी हिस्ट्री है बहुत पुरानी, वो इस जगह की खूबसूरती है। तो देखो काफ़ी लोग वॉक भी कर रहे हैं आसपास। वो डेड एंड है, पूरा तो नहीं जाएंगे हम, बहुत बड़ा है ये, क्योंकि सारी जगह एक ही चीज़ है आसपास। और अभी पानी यहाँ तक था, नहाते भी हैं लोग यहाँ पे? नहीं, अभी जैसे ये बंद है तो उसके उस साइड तो नहीं जाते होंगे? अच्छा, नहाते। 15 फीट इसकी गहराई है। तो ये पक्की रोड है, ये कहीं कनेक्ट करती है रोड, कहीं जाती है ये? दूसरे गेट पे चली जाती है। अच्छा, तो काफ़ी भीड़ है इस टाइम और सनसेट भी हो गया है। ब्यूटीफुल व्यू, दोनों साइड पानी पानी, इधर भी पानी, लेकिन लोग उस साइड नहा रहे हैं। हम भी सोच रहे हैं कि थोड़ा नहा लेंगे, देखते हैं जैसे भी है, पर फिलहाल हम सामने जा रहे हैं सीधा। तो ये फ्लैग के लिए है, झंडा लगता है यहाँ पे, और इधर माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं, ये देखो, ये बाहर से आती हैं सारी, ये डक्स हैं ना, ये सब माइग्रेटरी हैं, ये देखो। और इसके ऊपर लगता है झंडा, बहुत ऊंचा है ये, सीधा टॉल का टॉल। और यहाँ पे देखो चीज़ें बना रखी हैं कुछ, जैसे ये लिखा हुआ है इसके बारे में, इतनी हिंदी तो नहीं आती मेरे को, पूरी शुद्ध में लिखा हुआ है, सारी तरफ है ये, चारों तरफ। तो ये जो जगह है ना, इसको द्रौपदी कुंड बोलते हैं, ये सारी जगह को। ये पुराना ही पड़ा, ये पुराना ही है उस टाइम का ना, इसकी दीवारें भी पुरानी हैं। हाँ, ये देखो, ये दीवारें भी आप देख सकते हैं, ये सब पुरानी है, इसको चेंज नहीं किया है, एज इट इज़ महाभारत के टाइम का। अच्छा, तो ये जी कुंड ऊपर से, उसकी दीवारें भी सारी पुरानी हैं, देख सकते हैं आप कितनी पुरानी दीवारें हैं। वाह, उसे जाने का रास्ता कहाँ से है? ये अंदर से कुंड, यही है नीचे? हाँ, ये। अच्छा, ये सारा कुंड है जी नीचे, और वहाँ से जाने का रास्ता है द्रौपदी कुंड। पूरी हिस्ट्री, ये तो एक्चुअली देख के लग भी रहा है कि प्रॉपर उस टाइम का है, देखो, नहीं तो आजकल तो ये चीज़ें होती नहीं है, महाभारत के टाइम का है। देखो कहते द्रौपदी यहाँ नहाती थी द्रौपदी कुंड में, क्या बात है। ये लिखा भी है देखो, प्राचीन पांडव द्रौपदी कुप। अच्छा, ये गुप्त दान करने से 13 गुण फल मिलता है, 13 गुना। कुप है ये, कुप कुंड के कुप, वो बस कुआ है। अच्छा, कुआ। हाँ, ये प्राचीन मंदिर है श्री श्याम दरबार, प्राचीन मंदिर चंद्रगुप्त पांडव द्रौपदी कुप, सारा लिखा है जी, देखो क्या बात है। तो ये देखो जी महाभारत का रथ, बिल्कुल ब्रह्म सरोवर के किनारे पे, ये देखो। ये हिंदी में पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बहुत शुद्ध हिंदी है, संस्कृत ये मेरे को तो नहीं पढ़नी आती, पर ये देखिए कितना बड़ा है यार ये।
इधर ये रथ है और उधर ब्रह्म सरोवर सामने। तो यहाँ देखो घाट बने हुए हैं अलग अलग और इधर लोग नहा भी रहे हैं। देखो वो देखो कहाँ तक चला गया वो लड़का। तो ये सारा नहाने के लिए है देखो सरोवर में। साबुन लगा के नहाना। हाँ साबुन लगा के नहाना इसके अंदर ना, इसके अंदर लेडीज का है नीचे। तो अभी हम लोग ब्रह्म सरोवर से बाहर आ गए हैं। वो जो पीछे वो पे अंडरग्राउंड सिस्टम है वहाँ से इसका पानी आता है। ये भाई हमारे साथ यहाँ पे मिले अपने को, अपने भाई है, इन्होंने बताया कुरुक्षेत्र से है ये, वहाँ से पानी आता है बिल्कुल। तो पानी साफ़ है इसका ब्रह्म सरोवर का। अभी हम लोग जा रहे हैं नहाने, स्नान करने। काफ़ी लोग नहा रहे थे गर्मी का मौसम, तो हमने भी सोचा दो डुबकियाँ लगा लेते हैं। तो फिलहाल चल रहा है सामान का वो टेस्ट नेस, जाके नहाते एक दो डुबकियाँ लगाते हैं फिर व्लॉग एंड करेंगे, आपसे मिलते हैं आगे। तो गाइस हम लोग फाइनली सरोवर में एंटर हो गए हैं। देखो ब्रह्म सरोवर आ रहा है ना सारा, ब्रह्म सरोवर में आ गए हम और डुबकियाँ लगा रहे हैं। आप भी जब यहाँ आए तो प्लीज़ ज़रूर नहाइए यहाँ पे आके। मैं मेरा भाई सागर पानी में है इस टाइम। हाँ खत्म होगी इसके बाद तो कितनी पौड़ी है बस। तो अंदर से काफ़ी गहरा है ये, 15 फीट है आगे, इसके उस पार 15 फीट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी फिसलन ज़्यादा है, काई है यहाँ पे यार। आ जाए आ जाए। तो गाइस बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, पानी इतना ठंडा तो नहीं है खैर, मतलब ठीक ठीक ही है ना, ज़्यादा ठंडा नहीं है। पर ये है कि वो देखो सनसेट है, तो सामने सनसेट देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया खैर, वो देखिए डूब गया। ये भी मज़ा लेना चाहिए ज़िंदगी का। देखो मैं अलग अलग तरह के व्लॉग दिखाता रहता हूँ आपको, कभी किले के, मेरे को ज़्यादा हिस्ट्री से प्यार है इसलिए, क्योंकि कभी किले के हाँ कभी किला और कभी किला, तो हिस्ट्री से ज़्यादा प्यार है मुझे। मेरे को वो चीज़ें ज़्यादा फैसिनेट करती है जो हिस्ट्री में हुई हैं, जैसे यहाँ पे महाभारत हुआ और बाकी जयपुर वगैरह में और किले दिखाए आपको। अभी और भी बहुत कुछ आने वाला है, लॉट ऑफ कंटेंट ऑन द वे, और ये भी एक हिस्सा है इन्जॉय करना भी। देखो काम के साथ साथ इन्जॉयमेंट हो रही है कि पानी के अंदर डुबकियाँ लगा के गर्मी से राहत पा के फ्रेशन अप हो जाएंगे। इसके बाद चंडीगढ़ भी निकलना है मेरे को, अभी टाइम भी हो गया 7:30, मेरे को 7:30 हो गए होंगे तकरीबन। और वो जो टेंपल है ना, नेक्स्ट टाइम, अभी वो टेंपल बन रहा है, नेक्स्ट टाइम मैं व्लॉग दिखाऊंगा उस चीज़ का आपको। तो गाइस फाइनली नहा के अंदर से बाहर आ चुके हैं और रात भी हो गई है यहाँ पे, लाइट लुइट आ गई है और ये बेचारा अभी कच्चा नहीं ले गया, हम पूरे तैयार हो गए, रेडी शेडी हो गए, बाहर आ चुके हैं रेडी शेडी हो के। बड़ा अच्छा लगा अंदर, खूबसूरत ठंडा ठंडा पानी, और अभी भी लोग नहा रहे हैं। वैसे यहाँ कोई टाइमिंग्स नहीं है, पास में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है तो वहाँ के स्टूडेंट्स तो रात को भी आ जाते हैं हॉस्टल से खाना खुना खा के, बढ़िया टाइम पास हो रहा है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है। बाकी ये सारा साज ही ब्रह्म सरोवर। आपको वीडियो पसंद लगी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन दबा के। ठीक है जी, साइनिंग ऑफ फ्रॉम द एपिक लैंड ऑफ महाभारत कुरुक्षेत्र। See you in my next vlog very soon. Bye bye.